नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। काबिलियत एक ऐसी चीज है जो इंसान को जमीन से आसमान में पहुंचाने का काम बखूबी से करती है। काबिलियत ही वो चीज है जो किसी को भी कुछ भी हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा ही कुछ कारनामा बिहार में एक मजदूर के बेटे ने कर दिखाया है। इतना ही नहीं, इसने तो वो मुकाम हासिल कर लिया जिससे आने वाले समय में इसके परिवार की पूरी सूरत ही बदलने वाली है। बिहार के गोनपुरा गांव फुलवारी शरीफ के रहने वाले प्रेम कुमार को लाफायेट कॉलेज अमेरिका में ग्रेजुएशन में नामांकन मिला है। इसके लिए प्रेम कुमार को 2.5 करोड़ की डायर फेलोशिप मिली है। इसकी जानकारी डेक्सट्री ग्लोबल के संस्थापक और सीईओ शरद सागर ने दी है। शरद सागर की माने तो प्रेम कुमार लाफायेट कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पढ़ाई करने वाले हैं। इसी कॉलेज की स्थापना 1826 में हुई। प्रेम कुमार ने अब डेक्सटेरिटी ग्लोबल के नेतृत्व विकास और करियर विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसकी घोषणा करते हुए बताया कि संगठन के करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम डेक्सटेरिटी 2 कॉलेज के छात्रों ने अब विश्व पर सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से 100 करोड़ से भी अधिक की छात्रवृत्ति प्राप्त की है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार प्रेम को जो स्कॉलरशिप मिली है उसके अनुसार 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप लाफायेट कॉलेज में 4 सालों के लिए उनकी पढ़ाई और रहने के पूरे खर्चे को कवर करने वाली है, जिसमें ही ट्यूशन, निवास, किताबें और आपूर्ति, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा का खर्च आदि शामिल है। इस मौके पर प्रेम कुमार ने भी अपनी इस सफलता के बाद कई बातें कही हैं, जिसके तहत ही उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि डेक्सटेरिटी ग्लोबल के कारण मुझे ये मौका मिल पाया है। शरद सागर ने बताया कि संभवत प्रेम कुमार पहले महादलित छात्र हैं जिसे ये फेलोशिप मिली है। उनका ये सफर वाकई प्रेरणादायक है। प्रेम अपनी 5 बहनों में इकलौते भाई है। बातचीत के क्रम में प्रेम कुमार ने बताया कि उसने साल 2020 में शोषित समाधान केंद्र उड़ान टोला दानापुर से मैट्रिक पास किया और इसी कॉलेज से उसने 2022 में साइंस मैथ्स पेपर से इंटर की परीक्षा दी। 14 साल की उम्र में प्रेम कुमार ने पटना के जसप्रीत ग्लोबल संस्थान से जुड़कर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी क्रम में संस्थान के द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व उन्हें ये सूचना मिली कि अमेरिका के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में उनका सिलेक्शन किया गया। प्रेम कुमार अपनी इस उपलब्धि के लिए अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद देते देखे गए। प्रेम कुमार ने बताया कि लगभग 10 साल पहले उनकी मां कलावती देवी का देहांत हो गया। उसके बाद से बराबर उन्होंने अपनी पढ़ाई को ही अपने करियर बनाने और आज जिस मुकाम पर प्रेम पहुंच गए हैं वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत करनी पड़ती थी। वहीं इस घोषणा के साथ ही पूरे गोनपुरा गांव में खुशी का माहौल है, क्योंकि प्रेम बिहार के महादलित मुसहर समुदाय से आते हैं और अपने परिवार से कॉलेज जाने वाले पहले सदस्य होंगे। उनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आता है और राशन कार्ड धारक है। ऐसे में प्रेम कुमार की इस उपलब्धि पर पूरा बिहार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।